आपको रहता है उठा आपका ठंडा रहता है यू आपको रहता है ऐसा ये नहीं नहीं नॉर्मली आपको रहता है लोड बन रहा है बढ़िया वाला एक तरफ से रोशनी पड़ रही है चेहरा चमक रहा है दमक रहा है हमारे मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक टू लंदन नहीं मॉर्निंग गाइस मैं हूं अमित और ये करो और आज का प्लान है लंदन से बाहर जाने का टेक्निकली 150 किलोमीटर दूर वी आर गोइंग टू स्टोनहेंज मतलब वो जो पत्थर वाला जो एक पत्थर पड़े हैं वो विंडोज के अंदर वॉलों पर आता है ना एक शायद हाँ The congestion charge, £11.50 every day if you want to drive your car inside that congestion charge. But this is free. It's the road around the congestion charge. So in many respects, this is an old limit of London. दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए विंडसर कैसल बट कांट गो डाउन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज गौरव का वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है कितना समय बचा 27, 26, 25 चलो सो फाइनली फाउंड गौरव कम वी नीड टू रन अरे वो लोग गायब हो गए आई डोंट नो दोस्तों ये होता है प्रॉब्लम गौरव के साथ आते हो तो ही डजंट रन यार मतलब सबसे पहले आप लोग बताओ गौरव को ट्वीट करके कि हाउ मच इंपॉर्टेंट इज इट टू रन इन लाइफ भाई देखो मैं जाता नहीं अभी बाहर हूं कैमरा में अभी ये लोग घूम गए सब लोग आई होप कि आई कैन सी एटलीस्ट वन पर्सन और वैसे बातों में आपको बोलने मिल गए कि हम लोग जा रहे हैं विंडसर कैसल और यहाँ पर प्रिंस हैरी की शादी हो रही है नॉट द हैरी बट सेजल वाली तो 19 को शादी है न्योता सबको पहुंच गया होगा आप जरूर पधार हाँ लेकिन हम तो आए हैं कोई नहीं उनका हीरा लेने अगर मिल जाएगा तो क्या बोल रहे हो माल्या को हीरे को सबको लेके जाएंगे माल्या को रहने दो यहाँ पर तो ये है ब्यूटीफुल पैलेस चलिए अंदर चलते हैं सो दिस इज क्रेजी मुझे लगा छोटा सा क्यू रहेगी 10-15 लोग रहेंगे क्यू में लेकिन यहाँ तो जैसे लंगर लगा हुआ है दिस इज क्रेजी लॉन्ग क्यू अनलकी लेकिन यहाँ पर लकी है सो दोस्तों ये है यहाँ का विंडसर कैसल हालांकि अभी के लिए सब कुछ बंद है यहाँ पर क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया था यहाँ पर शादी हो रही है प्रिंस की तो द ओनली थिंग व्हाट यू गेट हियर इज आप टिकट लेके आओ और बाहर से सिर्फ एक दो सेल्फीज लो शॉर्टकट नहीं बट बेसिकली एक दो सेल्फीज लो और निकल जाओ मेक्स नो सेंस मतलब इतना दूर डेढ़ घंटा आप ड्राइव करके आओ और उसके बाद आपको सिर्फ ये मिले हाँ बेसिकली गौरव को एक बहुत ही बढ़िया फोटो पॉइंट मिल गया है आपको फोटोज सारे इंस्टाग्राम पे मिलते रहेंगे बढ़िया
मेरी आती है दो तीन दिन में एक फोटो आएगी खाली, बस उसी को अपना प्यार दिखा देना सारा का सारा मिला के एक साथ हर जगह पे अपना शाउट आउट। आ जाओ चलो देखते हैं बढ़िया फोटो भाई, फोटोग्राफी बाय गौरव। चलो आई विल वेट फॉर दैट, आई विल शो यू द मैजिक द रियल मूवी। सो डन विद द विंडसर कैसल दोस्तों, यहाँ पर एक बोरिंग ट्रिप थी बेसिकली, तू बनाया बड़ा मजा आया लेकिन अच्छा सा होप है स्टोन हेज के लिए क्योंकि आज मौसम भी बहुत बढ़िया है और बारिश का कोई अनुमान नहीं है। वन फोटो एट स्टोन हेज एंड आई एम सॉर्टेड, या लेट्स सी कि हाउ फार इज स्टोन हेज। सुना है कि यहाँ से डेढ़ घंटा दूर है, लेट्स गो एंड फर्स्ट हैव सम लंच। आई रियली होप कुछ वेजिटेरियन मिल जाए मुझे अभी यहाँ पर। पहुंच गए हम लोग लंच करने, जगह का नाम है बिल्स, बेसिकली ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर ऑप्शंस है। लेट्स चेक आउट व्हाट वी गेट हियर फॉर लंच, एटलीस्ट मेरे से एक वेजिटेरियन के लिए क्या अवेलेबल है। There was a great big battle in the field here to the right. A battle between people who wanted to get in to Stonehenge at the summer solstice. Oh wow, look, helicopter! It's a military area here. Thought I wouldn't mention the military until... And we're on the coach park. This is a very big military area, lots of tanks, and you might hear some bangs. Don't be frightened, they're just practicing. फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं स्टोनहेंज, जो करीब डेढ़ से दो घंटा दूर था लंदन से। थैंक यू, अब हमें लेनी है इनकी खुद की बस जो है स्टोनहेंज की बस। इसके लिए एक बहुत बड़ी क्यू है वापस से, और जैसे ही क्यू ख़त्म होगा हम पहुंच जाएंगे स्टोनहेंज। काफ़ी दूर है, आई रियली होप कि इट्स वर्थ द हाइप। एटलीस्ट विंडसर कैसल तो मतलब हाइप ही था। याद मत दिलाओ, आज का आधा दिन तो गया वहां पर। सो यहाँ पर हम आए हैं स्टोनहेंज में, जहाँ पर गौरव अभी बन गए हैं दूसरों के फोटोग्राफर। आई थिंक चार्ज करते हैं वो 100 रुपये हर फोटो के। कितना दिया भाई? कितना दिया? दुआएं नहीं। अच्छा, दुआओं में पेट भर जाता है सर, पेट बंद तन धन सब भर जाता है। बेसिकली यहाँ ये लंदन से 3 घंटे दूर या 3.5 घंटे दूर है, और यहाँ पर आपको सिर्फ ये कुछ पत्थर दिखेंगे। बेसिकली कहाँ पर मुझे दिख ही नहीं रहे, ये कुछ पत्थर है जिसका मैं फोटो आपको दिखा दूंगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कुछ टाइम लैप्स के थ्रू। बट बेसिकली आई थिंक दिस वाज नॉट वर्थ, स्पेशली कमिंग है तो पिरामिड देखो वहाँ, इससे ऐसे ऐसे ना हजारों पत्थर हैं। अच्छा, इजिप्ट? हाँ। बट यार लंदन आया तो क्या देखो? बेसिकली आया तो लंदन ब्रिज देखो, लंदन जो अभी बंद है, लंदन आए देखो बंद है, बकिंगम पैलेस देखो बंद है, तो बात देखो पत्थर देखो कंट्रीब्यूशन, फिर पत्थर के ऊपर लिखा मिलता है आई लव यू पूजा, तो वो सब रोकने के लिए यहाँ पे। वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग बता दो कमेंट। पूजा होता है, नेहा होता है, नहीं आई लव रुपीज के नोट के ऊपर आता था तो ट्रेंड बन गया था। सोनम गुप्ता? सोनम गुप्ता कौन है? नहीं लेकिन जो जो अक्सर पत्थरों लिखा होता है वो होता है पूजा, नेहा, प्रिया, 3 नाम तो कॉमन है जो 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 सबसे कॉमन। काफी एक्सपीरियंस है यहाँ पर, एक्सपीरियंस बोल रहा है दोस्तों। Okay, the current situation is that the compressor has broken down, and he tells us,
and a local repair company will have to deal with that. तो दोस्तों अभी हालत ये है कि हमारे पास हमारी जो कोच थी वो ख़राब हो गई है. वी आर वेटिंग फॉर एन रिप्लेसमेंट. और गौरव ने कंप्लीट कर लिए हैं 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स. या मैंने कहा पार्टी के नाम पे क्या हो रहा है, क्या सीन है. तो वनीला शेक, उधर चॉकलेट शेक आपको दिला चुका हूँ. इतना बड़ा मैंने कुका दिलाया था अभी भाई को, क्योंकि कुकी तो छोटी होती मैंने कह दिया था. देखो भाई, आई एम हैप्पी एंड आई एम सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज मैं अपने व्यूअर्स के लिए टाइमली कंटेंट दे पाऊं. मैं डिप्लोमेटिक मत बनो, मैं पूछ रहा हूँ लंदन की चीज है. जैसे कि वी केम टू स्टोनहेंज और इससे पहले विंडसर पैलेस. क्या पैलेस था? स्टोनहेंज कैसा भी हो बिल्कुल ही फर्क पड़ता है, विंडसर पैलेस कैसा भी हो बिल्कुल नहीं पड़ता. अभी पहले मेरी फोटो क्लिक करी वो and hit 10 million as soon as possible and get the diamond play button taki wo piche lagaye aur jo jalne wale hain wo jal jal ke aur raak ho jaye. So I think the gold nahi diamond play button I think 6 mahine mein aa jayega jis speed se channel ja raha hai, ya fir 8 months at max. So 32 mera target hai ki mere agle 32 se pehle pehle and I think shall ho jayega. Perfect. So that is perfect nahi nahi method like ye aur guys agar aapne aur aapka bolu kya hota hai, aapka thumbs up action mein mere ko bolu kaise aata hai. Blog chale do kat mat kar da. आपने आपके चैनल के ऊपर जो स्टार्टिंग में वीडियोस ना लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब जो स्टार्टिंग में मतलब लगाया था स्क्रीन का, उसमें ना आपने क्या वीडियो कट लगा होता है तो आपका उठा ना अचानक से ये कहीं और जा रहा है तो मिस डायरेक्शन हो रहा है ब्लॉग. बट एनी वे गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को थम्स अप कीजिए, अपना अपना प्यार की यार प्यार दिखाओ, अपना लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बताओ आपको किस ब्लॉग का सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा नीचे कमेंट्स में. और हमारी तरफ से स्ट्रेट अवे आपको ये राय देता हूँ कि भाई अगर आप आते हो घूमने इंग्लैंड तो विंडसर कैसल बिल्कुल मत जाना. फोटो खींचना अलाउड नहीं आधे में, तो क्या करोगे फिर जाके, क्योंकि फोटो भी रुकी भैया जाके कम से कम देखने में, देखने भी कुछ नहीं. इंडिया वाले किले बहुत अच्छे हैं, स्टोनहेंज जा सकते हो, स्टोनहेंज में फोटो अच्छी आएंगी, लेकिन कुछ ऐसा कुछ खास मतलब कोई 30 मार्क वाली बात नहीं है. स्पेशली जब आप 3-3 घंटे ड्राइवर के आ रहे हो वो तो मतलब फोटो अच्छी आएगी. लेकिन बस एक फोटो ये 8-10 पत्थर 15-20 पत्थर पड़े हुए और कुछ भी नहीं है. लेकिन कुछ नहीं है, आगे देखना. मैं आपको दिखाऊंगा लंदन का असली ब्लॉग क्या होता है. मैंने इसलिए अभी तक शूट भी किया है, मैंने कहा पहले सब ये सब कट हो रहा है, ये सब ये गलत बात. तो चलिए गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. सब्सक्राइब करो, घंटा दबाओ और ऐसे प्यार पाते रहो. लव यू. बाय बाय.